सुनो, वहां तो देखो जरा, वो तो वहां जम के ही बैठ गई। वो ऐसे ही यहाँ जमकर नहीं बैठी, वो अजीज साहब का इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, सुना है ये जादू टोना जानती है और पेशन गोई भी करती है, लोग कहते हैं ऐसा। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये आखिर देख क्या रही है। मेरी बात सही थी ना कि वो पेशन गोई करती है, चलो चल के देखते हैं। नानी, इफ्तान, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। नानी, अजीज, उन्होंने तुम्हें कैसे रिहा किया? नानी, अजीज ने कहा है कि मुझसे शादी करेगा ये। क्या? वो लोग मान गए और उन्होंने कहा कि मेरी अजीज से शादी हो सकती है। मुझे खुशी हुई। खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तुमने तो कहा था। तुम्हारे लिए कहा था मैंने, नहीं कहता तो कैसे बचाता तुम्हें? तो फिर मैं किस हैसियत से रहूंगी? नौकरानी की। नौकरानी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ज्यादा ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? मैं कोई ख्वाब वाब नहीं देख रही थी, बल्कि मुझे तो शादी भी नहीं करनी और ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा था। सोचना भी नहीं। अजीज, औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। मैंने किसी के दिल से नहीं खेला, आप समझ क्यों नहीं रही? मुझे मजबूरन कहना पड़ा, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तुम जानते हो, किस्मत से जुड़ी तीन चीजें हम नहीं बदल सकते, तीन चीजें जो हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए लिखी गई हैं। पैदा होने का वक्त, मौत का वक्त और शादी किसके साथ होगी? खुदा ने एक दूसरे के लिए ये तीन नाम हर किसी के लिए लिख दिए हैं और वो तुम्हारे साथ होगा। ठीक है, फिर मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा, लेकिन मैं उस लड़की से शादी किसी भी सूरत नहीं कर सकता। तुम लिखा हुआ नहीं मिटा सकते बेटा। क्या उसने तुमको कहा था कि वो तुमसे शादी करेगा? बिल्कुल कहा था, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। अरे ये क्या हो गया, ये तो पत्थरों की बारिश होने वाली है। मैं समझ गया, ये बात उस रात की है जब वो इफ्नान को यहाँ लाए थे। तुम्हें तो सब कुछ पता होता है। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम वहां से नहीं आती, समझ में आ रही है तुम्हें? फिर शादी से अगवा क्यों किया? क्या गलत किया मैंने? तुम चाहती थी कि तुम्हारी शादी उस आदमी से हो जाए। अपने बाबा का सोना क्यों दिया? वापस ले लूंगा मैं, सब पहले जैसा हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब और क्या होगा? आप अंदर नहीं जा सकती, किस लिए आई हैं आप यहाँ? मैं यहाँ अजीज से मिलने आई हूँ। उसे रिहा कर दिया। रिहा कर दिया? तो यानी वो लड़की अपने बाबा के पास चली गई। शुक्र है। कौन लड़की? ओह, मैं ये नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। इसके दिल में जो अजीज के लिए जज्बात,